एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज आरुषि'स नोट्स। तो आज हमने शुरू करना है टेस्टीज एंड ओवरीज। मैंने अपने पिछली वीडियो में एड्रेनल ग्लैंड एंड पैनक्रियास कंप्लीट करा दिया था। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरी ये वाली वीडियो बहुत लेट आई है, अप्रॉक्स 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि बीच में मेरे फाइनल पेपर्स आ गए थे तो मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो गई थी। बट नाउ अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब जो है मेरी वीडियोस रेगुलरली 3 या 4 दिन के बाद आती रहे, ठीक है। सो शुरू करते हैं। तो हमने जो लास्ट मैंने छोड़ा था वो था एड्रेनल ग्लैंड एंड पैनक्रियास तक मैंने कंप्लीट करा दिया था कि क्या क्या उन सब क्या क्या है, ये क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। अब हमने शुरू करना है टेस्टिस और फिर उसके बाद ओवरीज, ठीक है। तो टेस्टिस मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो क्या है कि उन्होंने बोला है कि जो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है स्क्रोटल सैक में ऑफ द मेल इंडिविजुअल। सो अभी ये प्लस वन में आप सब आपको पता होगा स्क्रोटल सैक मतलब कि जो आउटसाइड होता है एब्डोमेन के वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, मतलब कि जो पेयर होता है जो टेस्टिस का वो प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक के अंदर जो कि बाहर होता है एब्डोमेन के मेल इंडिविजुअल में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की जो टेस्टिस है वो दो फंक्शन परफॉर्म करती है। दो फंक्शन का मतलब कि वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करती है और दूसरा वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। सो जो टेस्टिस है वो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है, पहला कि वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एंड दूसरा कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। द थर्ड पॉइंट इज कि जो टेस्टिस है वो कंपोज किससे होती है। टेस्टिस कंपोज होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और स्ट्रोमल या इंटरस्टीशियल टिश्यूज से। तो जो टेस्टिस है वो किससे कंपोज है, जो टेस्टिस है वो कंपोज ऑफ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और स्ट्रोमल या इंटरस्टीशियल टिश्यूज से, ठीक है। उसका अगला पॉइंट है कि जो लेडिक सेल्स हैं या जो इंटरस्टीशियल सेल्स है, मतलब कि जो ये जो स्ट्रोमल टिश्यू है, जो इंटरस्टीशियल टिश्यू है, ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको बोलते हैं लेडिक सेल्स। तो ये जो लेडिक सेल्स हैं या हमारे पास जो इंटरस्टीशियल सेल्स है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मतलब कि क्या मैंने अभी बताया कि जो लेडिक सेल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो लेडिक सेल्स हैं या जो इंटरस्टीशियल सेल्स हैं, मतलब कि जो लेडिक सेल्स हैं या जो इंटरस्टीशियल सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में एंड वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, ठीक है। तो जो इंटरस्टीशियल सेल्स हैं, लेडिक सेल्स हैं या इंटरस्टीशियल सेल्स हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में, एंड ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, ठीक है, मेनली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड ये जो एंड्रोजन है वो क्या रेगुलेट करता है, एंड्रोजन रेगुलेट करता है हमारे पास डेवलपमेंट रेगुलेट करता है, मेच्योरेशन रेगुलेट करता है, फंक्शन जो है मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के, जैसे एपिडिडमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, उन सबको फंक्शनिंग, उन सबकी फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड ये जो हार्मोन है वो मस्कुलर ग्रोथ भी स्टिमुलेट करता है, जैसे फेशियल हेयर की ग्रोथ, ठीक है, या ऑक्सिलरी हेयर, या अग्रेसिवनेस, या लो पिच वॉइस। तो एंड्रोजन जो है वो बहुत एक मेजर मतलब कि स्टिमुलेटरी रोल भी है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, या आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जब आप आगे मतलब कि फर्दर क्लासेस में आप पढ़ लोगे, ठीक है। एंड्रोजन जो है वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में भी एक्ट करता है एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। एंड ये जो हार्मोन है वो एनाबॉलिक मतलब कि इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन पे एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। तो अभी मैंने क्या बताया कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो टेस्टिस है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है स्क्रोटल सैक में जो कि बाहर होता है आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल, और जो टेस्टिस है वो दोनों दो फंक्शन परफॉर्म करती है, ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है, एक एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी काम करेगा और दूसरा कि एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। और जो टेस्टिस है वो कंपोज होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ या हमारे पास स्ट्रोमल या इंटरस्टीशियल टिश्यूज के साथ, और जो लीडिंग सेल्स होते हैं या जो इंटरस्टीशियल सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। एंड जो एंड्रोजन है वो क्या करता है कि जो एंड्रोजन है बेसिकली डेवलपमेंट रेगुलेट करता है,
मेचुरेशन रेगुलेट करता है एंड फंक्शन है, मतलब फंक्शन करता है मेल सेक्स ऑर्गन्स का, सेसरी सेक्स ऑर्गन्स का, जैसे एपिडिडमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, ठीक है, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, एंड एंड्रोजन जो है बेसिकली जो ग्रोथ, मतलब कि जो ये जो हार्मोन है वो मस्कुलर ग्रोथ, जैसे ग्रोथ हो गया हमारे पास हेयर का, फेशियल ग्रोथ या एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच, वो भी कंट्रोल करता है, एंड जो एंड्रोजन है स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मदद करता है, ठीक है, एंड ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे भी मतलब क्या एक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड चीज आती है ओवरी, पहले मैं बता देती हूँ सारा ओवरी, फिर मैं पॉइंट्स लिख दूंगी, ठीक है। तो जो फीमेल है उनके पास बेसिकली पेयर होता है ओवरीज का, जो उनके एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, एंड जो ओवरी है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो एक ओवम प्रोड्यूस करती है हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे। तो हर एक, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो वन, मतलब कि हर मंथ चलता है, ठीक है। तो ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि उसके तीन डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है। सो हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे जो ओवरी है वो एक ओवम जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और एडिशन पे ओवरी जो है वो दो ग्रुप के स्टेरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, जिसका नाम जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड ओवरी जो है वो कंपोज्ड ऑफ होती है किससे, ओवेरियन फॉलिकल से एंड स्ट्रोमल टिश्यू से, राइट। तो जो एस्ट्रोजन है वो सिंथेसाइज होता है एंड मेनली सेक्रेटेड होता है बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, और ओवुलेशन के बाद जो रप्चर फॉलिकल्स हैं यानी जो ग्रोथ नहीं हुई वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। एंड एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा एक्शन, जैसे स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ या एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जैसे ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, या अपेयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस एक्सेट्रा, मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट। एंड एस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर भी रेगुलेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन एक मतलब कि मेमरी ग्लैंड, प्रोजेस्टेरॉन मेमरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो बेसिकली मिल्क स्टोर करते हैं एंड मिल्क सेक्रेशन। सो मैंने अभी जितने पॉइंट्स बताए हैं मैं अभी सारे ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हूँ, पहले मैं ये सारा रफ कर देती हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो, मतलब कि अगर किसी को ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब भी मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं ओवरी के बारे में मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो हमने ओवरी में क्या क्या चीजें सबसे पहले पढ़ी है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो ओवरी है बेसिकली क्या हमने पढ़ा कि फीमेल्स के पास अ पेयर ऑफ ओवरीज होता है जो उसके एब्डोमेन में लोकेटेड होती है, एंड ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो एक ओवम प्रोड्यूस करता है हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है। तो जो मतलब कि यहाँ पर मैं पहला पॉइंट लिख दूँ कि फीमेल्स के पास, फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होती है, लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ठीक है। एंड जो ओवरी है वो क्या ओवरी प्रोड्यूस करती है, ओवरी जो है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और जो टेस्टिस था वो ड्यूअल फंक्शन फॉर्म करता था, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी था और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी था, और जो ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स और प्राइमरी फीमेल सॉरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है एक ओवम, विच प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग मेंसुरेशन साइकिल, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग मेंसुरेशन साइकिल, ठीक है। और ओवरी के पास कौन से दो हॉर्मोन्स हमने पढ़े कि इन एडिशन जो ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है दो स्टेरॉयड हॉर्मोन्स जो कि है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड ओवरी किससे कंपोज्ड होती है, ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, ओवरी किससे कंपोज्ड होती है, ओवेरियन फॉलिकल्स से, ठीक है। अभी तक मैंने जितना बताया आई होप कि क्लियर हो, समझ आ रहा होगा, ठीक है। ओवरी कंपोज्ड होती है ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज से, राइट, ठीक है। और उसके बाद अब हम सबसे पहले इसमें मैंने अभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के फंक्शन बताए हैं, तो मैं डिवाइड मतलब कि डिफरेंशिएट कर दूंगी, एक तरफ मैं ब्लैक बोर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, एक तरफ एस्ट्रोजन और एक तरफ प्रोजेस्टेरॉन। तो अभी किसी को इतना चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये रब करने लगी हूँ, ठीक है।
सॉरी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बेसिकली डिवाइड करते हैं क्योंकि उनके रोल्स अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक साइड पे एस्ट्रोजन के पॉइंट्स लिख लेंगे और एक साइड पे हम प्रोजेस्टेरोन के पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन है बेसिकली सिंथेसाइज होता है और सिक्रेटेड होता है मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। तो जो एस्ट्रोजन है वो कौन सिंथेसाइज करेगा, एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड, कौन सिक्रेट करता है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, और ओवुलेशन के बाद, ठीक है, तो एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, तो मतलब कि जब ओवुलेशन हो जाती है तो जो ओवुलेशन के बाद जो हमारे पास रप्चर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं कि जो नहीं मतलब कि ग्रो कर जो नहीं मतलब कि पूरा प्रोसेस ओवुलेशन का कंप्लीट कर पाए, या जो रप्चर फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। मैंने अभी क्या बताया कि जो एस्ट्रोजन है वो मेनली सिंथेसाइज एंड सिक्रेट कौन करता है, वो मेनली सिक्रेट करती है ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, और जो रप्चर फॉलिकल है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, और जो रप्चर ओवेरियन फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर प्रोड्यूस करेगी क्या, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो मैं ये पार्ट रिमूव अभी मैं मिटा रही हूँ क्योंकि अभी हमने इसके फंक्शंस लिखने हैं ना। ठीक है, तो अभी इसके फंक्शंस लिखेंगे हम कि क्या क्या रोल है। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन है बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस करता है, जैसे स्टिमुलेशन ऑफ क्या प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग, जस्ट इग्नोर माई हैंड राइटिंग क्योंकि मैं अभी काफी तेज तेज लिख रही हूँ। ठीक है, अगर नहीं कुछ समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स उनके भी वो देखेगा ऑफकोर्स क्योंकि वही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद हमारे पास होगा कि अपेयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स और मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट और वो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। और प्रोजेस्टेरोन क्या सपोर्ट करता है, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी। ठीक है, और वो मतलब कि मेमरी ग्लैंड पे भी इट ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो मिल्क स्टोर करते हैं, मिल्क सेक्रेशन। और इसके बाद हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं, हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। और ये मतलब कि एनसीईआरटी में इकट्ठा एक टॉपिक है, उसमें उन्होंने हार्मोन जो हार्ट प्रोड्यूस करता है, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उन सबके इकट्ठे बताए हैं और मैकेनिज्म, राइट। तो ये मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन लगा होगा। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज आरुषि इज नोट्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जल्द से जल्दी 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोस रेगुलरली 3 या 4 दिन के बाद आती रहें। थैंक यू एंड बाय।